आज हमारे पास नॉइस के N1 TWS एंड इनको हम ऑलमोस्ट 15-20 दिन से टेस्ट कर रहे हैं। एक एक चीज़ हमने टेस्ट की है, और अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो पूरी देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है। 1299 के अमेजोन पे मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसको लेने का सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, ऑब्वियसली प्लास्टिक बिल्ड है, मैट फिनिश मिलती है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। बट जैसे ही आप केस खोलते हो, इसकी जो हिंज है ना, ये लॉक नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री है। तो कई बार आप जब ईयरफोन्स निकालने लगोगे ना, तो ये आप पे गिरते रहेंगे, जो कि काफी इरिटेटिंग हो जाता है कई बार। बाकी मैग्नेटिकली ये क्लोज हो जाता है केस, और जो ईयरफोन्स भी हैं वो मैग्नेटिकली प्लेस हो जाते हैं केस में। ईयरफोन्स में आपको चारों तरफ क्रोम फिनिश मिलती है, तो देखने में अच्छे लगते हैं ईयरफोन्स। और जैसे ही आप केस को ओपन करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं, तो आप इंस्टेंटली अपनी कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। मैक, विंडोज, एंड्रॉइड, आईफोन, सब में ये आराम से कनेक्ट हो जाता है, कोई इश्यूज नहीं आते। बट एक सिंगल टाइम पे खाली एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, दो डिवाइसेस का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको दूसरी डिवाइस कनेक्ट करनी है, तो पहली डिवाइस से आपको पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी दूसरी डिवाइस आप कोई नई कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको चार डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं, तो अगर आपको और कोई कलर पसंद है तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। फिर चार्जिंग के लिए इसमें टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है, केबल आपको बॉक्स में मिलती है, और ये इंस्टा चार्ज सपोर्ट करते हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग है। बेसिकली जैसे आप फोन को फास्ट चार्ज करते हो, ये भी फास्ट चार्ज सपोर्ट करते हैं। तो 10 मिनट में 2 घंटे का प्लेबैक इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और फुल चार्ज होने में इसको लगते हैं 90 मिनट, जो कि है 1.5 घंटा। अब साउंड क्वालिटी की बात करें, तो ये स्लाइडली ऑन दी बेसियर साइड है। अगर आपको पंची हैवी बेस वाले सॉन्ग्स पसंद है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वोकल्स भी क्लियर है, अगर आप मूवीज देखते हो इसको लगा के लैपटॉप पे, टैबलेट पे, फोन पे, तो वोकल्स भी क्लियर सुनाई देते हैं। डायलॉग सुनने में आपको परेशानी नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्योंकि ये बहुत लाउड है, तो आपको ज्यादा वॉल्यूम पे इनको सुनना भी नहीं पड़ेगा। अराउंड 60-70% वॉल्यूम पे भी काफी ज्यादा ये लाउड फील होते हैं। बात की जाए इसके फिट की, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबली फील होते हैं। एक्सटेंडेड यूज अगर आप करते हो, मतलब अगर आप 3-4 घंटे तक कंटिन्यूस इसे लगा के रखते हो, तब आपको स्लाइटली अनइजी फील हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफर्टेबली फील होते हैं। बॉक्स में आपको 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, तो अगर आपको फिटिंग सही नहीं आ रही है, तो आप उनको चेंज कर सकते हो आराम से, कोई इश्यूज नहीं है। अब जिनको कॉलिंग के लिए ईयरफोन चाहिए, अगेन ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे आपको क्वाड माइक, मतलब 4 माइक मिलते हैं, और ENC का भी सपोर्ट है। तो एनवायरमेंटल नॉइस जितनी भी, अगर आप आउटडोर में कॉल ले रहे हो या ट्रैफिक है, तब भी ये मोस्ट ऑफ द नॉइस को कट आउट कर देता है, एंड आपको एकदम क्लियर साउंड सुनाई देगी। और दूसरी साइड पे भी जो पर्सन है, उनको भी आपकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई देगी। एक सैंपल ऑडियो में यहां पे ऐड कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा लग जाएगा इसकी क्वालिटी का। ये ऑडियो जो आप सुन रहे हो, ये रिकॉर्ड हुई है नॉइस N1 के माइक से। ऐसी ऑडियो क्वालिटी आपको कॉल पे भी मिलेगी, जो दूसरा पर्सन सुन रहा है उनको आपकी आवाज कुछ ऐसी सुनाई देगी। अब जिनको जिम के लिए ईयरफोन चाहिए, इसमें IPX5 की रेटिंग है, तो आपको यहाँ पे स्वेट रेजिस्टेंस मिलती है, पसीने वसीने से कोई इश्यूज नहीं आएंगे। जिम में भी आप इनको आराम से यूज कर सकते हो। इन पे आप टैप करके सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पे वॉल्यूम के लिए भी सपोर्ट मिलता है, तो वॉल्यूम को कम ज्यादा करना हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे है। अब गेमर्स का भी थोड़ा ध्यान रखा है नॉइज ने, यहाँ पे आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड मिलता है, जहां पे आपको जो लेटेंसी मिलेगी वो अराउंड 40-50 मिलीसेकंड्स मिलेगी, जो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन कैजुअल गेमिंग के लिए डिसेंट है। अगर आप BGMI खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो, आराम से आपको फुटस्टेप्स टाइमली सुनाई दे जाएंगे, फायर कहां से आ रहा है वो आपको इजीली पता लग जाएगा, तो गेमिंग में भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बैटरी बैकअप की बात करें, तो एक सिंगल चार्ज पे आपको 4-5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। विद दी केस नॉइस बोलता है कि इसमें आपको 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30-35 आवर्स का बैटरी बैकअप, जो कि स्टिल बहुत अच्छा है। तो काफी सारे फीचर्स ये ऑफर करते हैं, और प्राइस भी मेरे हिसाब से ठीक है। 1299 के ये अमेजोन पे अवेलेबल है, नॉइस की वेबसाइट से भी आप इन्हें परचेस कर सकते हो। लिंक्स मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको परचेस करने हो तो आप कर सकते हो। थोड़ी सी दिक्कत जो मुझे बस लगी वो थी इसके केस के साथ, उसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं है जो आपको फील होगा यूज करते टाइम भी। तो ऑल एंड ऑल एक डिसेंट ईयरफोन्स है। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो, कुछ जानना है इसके बारे में, कोई डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा और कोई अच्छे ऑप्शंस हैं वो भी कमेंट में बता देना, कोई और लेने का प्लान कर रहा है तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।